मध्य प्रदेश के खरगोन मंडलेश्वर न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती आरती शर्मा ने 2016 में नगर परिषद भीकनगांव जिला खरगोन में पदस्थ उपयंत्री ब्रजेश कुमार गुप्ता नगर परिषद भीकनगांव को 4 साल की सजा के साथ 20,000 का अर्थदंड किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। मंडलेश्वर न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती आरती शर्मा ने 16 जनवरी 2020 को नगर परिषद भीकनगांव जिला खरगोन में पदस्थ आरोपी उपयंत्री ब्रजेश कुमार गुप्ता को भ्रष्टाचार अधिनियम में 4 वर्ष की सजा तथा अर्थदंड 20,000 से दंडित किया गया तथा अतिरिक्त व्यक्ति कर्म पर 1 साल के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई। जिला सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप अलावा ने बताया कि लोकायुक्त के द्वारा भीकनगांव में उपयंत्री ब्रजेश गुप्ता नगर परिषद को 2016 में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिस पर से आज मंडलेश्वर की विशेष न्यायालय की न्यायाधीश महोदय श्रीमती आरती शर्मा ने प्रकरण में सजा सुनाते हुए उपयंत्री को 4 वर्ष की सजा के साथ ही 20,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है। उक्त लोकायुक्त की ओर से प्रकरण में सहायक अभियोजन का पक्ष प्रदीप सिंह अलावा ने रखा। खरगोन से संवाददाता महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आरोपी ब्रजेश कुमार गुप्ता उपयंत्री भीकनगांव के द्वारा आवेदक ललित वर्मा से उसके बिल पास करने के एवज में 18,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर से 10,000 रुपये आरोपी के द्वारा आवेदक से उसी समय ले लिए गए तथा 8,000 रुपये दिनांक 15/9/2016 को लेकर बुलाया गया था, जिस पर से आवेदक ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में जाकर शिकायत आवेदन रिश्वत मांग किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। लोकायुक्त टीम ने शिकायत आवेदन पत्र पर से आरोपी ब्रजेश कुमार गुप्ता को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़कर चालान माननीय विशेष न्यायालय मंडलेश्वर की ओर पेश किया गया था। मंडलेश्वर न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती आरती शर्मा ने दिनांक 16/1/2020 को अपराध क्रमांक 282/16 विशेष प्रकरण क्रमांक 2/17 में आरोपी ब्रजेश कुमार गुप्ता उपयंत्री भीकनगांव को धारा 7 धारा 13 1D धारा 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष की सजा तथा 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अतिरिक्त व्यतिक्रम पर 1 साल के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई। लोकायुक्त की तरफ से पैरवी में विशेष लोक अभियोजक प्रदीप सिंह अलावा के द्वारा की गई।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।